जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों एक बार फिर से हम हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके पहले भी दोस्तों हमने 50 क्वेश्चन की जो है चर्चा इसके नेक्स्ट डे हम लोगों ने किया। आज हम जो है 50 क्वेश्चन फिर लेकर चलेंगे। तो चलिए देर ना करते बच्चों, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने जो है तांबे के सांकेतिक सिक्के चलाए थे। किस सुल्तान ने जो है तांबे के सांकेतिक सिक्के चलाए थे? इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, बहलोल लोदी। तो बच्चों इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब बी हो जाएगा, मोहम्मद तुगलक ने। ठीक है, मोहम्मद तुगलक ने जो है सांकेतिक सिक्के जो है तांबे के सांकेतिक सिक्के चलवाए थे। अगला क्वेश्चन है कि तानसेन जो है किस सम्राट का सभासद था? अकबर, जहांगीर, शिवाजी, शाहजहां। तो बच्चों जो है 52 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अकबर। तानसेन जो है किस सम्राट का सभासद था? तो अकबर के। गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव आप जानते बच्चों, जिसने जो है सिख धर्म की स्थापना की थी। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव। इनका जो है जन्म कब हुआ था बताना है आपको। तो सही जवाब जो है 1469 ईस्वी में बच्चों तलवंडी में हुआ था। तलवंडी पहले कहाँ था? पाकिस्तान में। तो गुरु नानक देव जी का जन्म जो है 1469 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि ताजमहल किसने बनवाया था? अकबर ने, कि शाहजहां ने, कि जो है शेरशाह ने, कि जहांगीर ने। तो बच्चों ताजमहल किसने बनवाया था? जो शाहजहां ने बनवाया था, अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में जो है ताजमहल बनवाया था। ताजमहल कहाँ बच्चों? ये जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। यमुना नदी के जो है तट पर स्थित है ताजमहल। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों है कि रात तरंगड़ी जो है किसने लिखी है? कल्हण ने, भवभीत ने, भास ने, बिल्हण ने। तो रात तरंगड़ी जो है बच्चों इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा गया है। ये जो है कल्हण द्वारा रचित है। रात तरंगड़ी किसने लिखा है? कल्हण ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि संतरा युग का जो है सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार कौन था? संतरा युग का सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार जो है कौन था? तो बच्चों अमीर खुसरो। संतरा युग का सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार अमीर खुसरो था। तुजुके बाबरी का लेखक कौन है? तुजुके बाबरी ये जो है किसने लिखा है? तो बच्चों तुजुके बाबरी, बासे बाबरी, बासे बाबर। तुजुके बाबरी किसने लिखा है? बाबर ने लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अष्ट प्रधान किसके शासन की विशेषता थी? अष्ट प्रधान, अष्ट प्रधान जो है 8 मंत्रियों का एक समूह था जिसे अष्ट प्रधान बोला जाता है। ये जो है बच्चों किसके शासन की विशेषता थी? शेरशाह, अकबर, हर्षवर्धन, शिवाजी। तो सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा, शिवाजी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? भारत में आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? डच, अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी। तो सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा, पुर्तगाली। भारत में आने वाले पहले यूरोपियन पुर्तगाली थे। पुर्तगालियों बच्चों आप लोग जानते हो वास्को डिगामा सबसे पहले भारत आया था, जिसने भारत की जो है खोज की थी। वास्को डिगामा कहाँ रहने वाला था? ये जो है पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का पहला गवर्नर कौन था? भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का पहला गवर्नर कौन था? अल्मीडा, डुप्ले, अयरकूट, बुसी। तो 60 का सही जवाब हो जाएगा डुप्ले बच्चों, सही जवाब सी हो जाएगा। चांदा साहब की राजधानी कहाँ थी? आरकाट, पांडिचेरी, कालीकट, तिरुचन्ना पल्ली। तो 61 सही जवाब बी हो जाएगा, आरकाट। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो बच्चों प्लासी का युद्ध पास से प्लासी, पास से पश्चिम बंगाल। प्लासी का जो युद्ध लड़ा गया था ये जो है पश्चिम बंगाल में जो है लड़ा गया था। 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की तरफ रॉबर्ट क्लाइव के बीच जो युद्ध लड़ा गया जिसमें कलायु की विजय होती है। ठीक है बच्चों, तो प्लासी का युद्ध जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंस है। 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। कहाँ लड़ा गया था? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? क्लाइव, लॉर्ड हेस्टिंग, डुप्ले, आयरकूट। तो आपको बताना है 63 का सही जवाब बच्चों ए हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का जो संस्थापक था वो जो है रॉबर्ट क्लाइव था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है कब हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1600 ईस्वी में हुई थी बच्चों। कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि चीन में सर्वप्रथम किस यूरोपियन जाति ने जो है प्रवेश किया? अंग्रेज, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी। तो 65 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अंग्रेज। दास प्रथा का अंत जो है किसने किया? दास प्रथा का जो है अंत जो है किसने किया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दास। बच्चों दास जानते हो, किसी को जब खरीद लेते थे यानी गुलाम बना लेते, तो वही दास जो गुलाम होते थे उसी को दास कहा जाता था। दास प्रथा का अंत जो है
किसने किया था? तो 66 सही जवाब हो जाएगा अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन जानते हो आप लोग, ये जो है अमेरिका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। पहला अफीम युद्ध किस देश में हुआ था? अफीम युद्ध भारत में, मोरक्को में, मिस्र में, चीन में। तो 67 के बीच बच्चों बी हो जाएगा चीन में। चीन की राजधानी आप लोग जानते हो बीजिंग है। तो पहला अफीम युद्ध जो है किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि मुनरो घोषणा का प्रकाशन सर्वप्रथम कब हुआ? मुनरो घोषणा का प्रकाशन जो है सर्वप्रथम कब हुआ? तो बच्चों 68 सही जवाब हो जाएगा, बी हो जाएगा 1823 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों लोग देखते हैं कि बॉक्सर विद्रोह का संबंध जो है किस देश से था? जापान, रूस, चीन, फ्रांस। तो यहाँ सही जवाब बच्चों हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, चीन से। किससे संबंधित है? चीन से। बोअर कौन थे? तो बोअर यहूदी थे कि डच थे कि अफ्रीकी थे कि अरबी थे? तो बच्चों यहाँ सही जवाब डी हो जाएगा, ये जो है अरबी थे। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय पुलिसमैन किस देश को कहा गया है? अंतर्राष्ट्रीय पुलिसमैन जो है किस देश को कहा गया है? तो बच्चों संयुक्त राज्य अमेरिका को। अंतर्राष्ट्रीय पुलिसमैन किस देश को कहा गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि जापान की जो है जापान की पृथकता का अंत कब हुआ? जापान की पृथकता का जो है अंत कब हुआ? 1852 में, 53 में, 67 में, 54 में। तो बच्चों 72 को बताना सही जवाब क्या डी हो जाएगा, 1867 ईस्वी में। 19वीं शताब्दी में विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्यवादी देश था? ग्रेट ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। बताना बच्चों 19वीं शताब्दी में विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्यवादी देश कौन था? तो 73 का सही जवाब जो है ये हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। क्योंकि ब्रिटेन बच्चों ये देखो साम्राज्यवादी होता है जिसका क्षेत्र जो है विशाल हो, जिसका साम्राज्य जो है विशाल हो, ठीक है बच्चों। तो ग्रेट ब्रिटेन वो काफ़ी देशों को गुलाम बनाया था, भारत को भी गुलाम बनाया था, बहुत सारे देश इसके जो है गुलाम थे, तो इसका जो है क्षेत्रफल विशाल था, इसलिए जो है इसे साम्राज्यवादी देश कहा जाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्यवादी देश कौन था? ये जो बच्चों ग्रेट ब्रिटेन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों कि मध्यकाल में भारत को कहा जाने लगा था? हिंदुस्तान, भारत, हिंद, जम्मू द्वीप। तो 74 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा हिंदुस्तान। मध्यकाल में भारत को कहा जाने लगा था? हिंदुस्तान। अभिज्ञान संकुतलम जो है किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभिज्ञान संकुतलम जो है किसकी रचना है? बच्चों सभी बच्चे बता देंगे, कालिदास की रचना है। किसकी है? कालिदास की। भारत का जो है आदि ग्रंथ किसे माना गया है? भारत का जो है आदि ग्रंथ ऋग्वेद को, रामायण को, महाभारत को कि राजतरंगणी को? तो 76 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? एक ए हो जाएगा, ऋग्वेद को। देखो बच्चों भारत का आदि ग्रंथ जो है ऋग्वेद को कहा गया है। ऋग्वेद आप लोग जानते हो भैया, ऋग्वेद सबसे पुराना वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऋ से ऋग्वेद, ऋ से ऋचाई से मन, जिसमें मंत्रों संबंधी मंत्र संबंधी वर्णन किया गया है। उसके बाद में राज तरंगड़ी आप लोग जानते हो, राज तरंगड़ी के लेखक जो है कल्हण है, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा गया है। रामायण के रचयिता आप लोग जानते हो महर्षि वाल्मीकि जी है। महाभारत के रचयिता जो है वेद व्यास जी है। तो जो चारों का जो है ऑप्शन आप लोग समझ लीजिए। जातक जो है किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? जातक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? ये बच्चों जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म जानते हो, जिसके संस्थापक महात्मा बुद्ध को माना जाता है, गौतम बुद्ध को माना जाता है, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन बच्चों कि पाली भाषा में लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? विनयपिटक, महावास्तु, ललित विस्तार, दिव्योदान। तो पाली भाषा में लिखा गया ग्रंथ कौन सा है आपको बताना है। तो 78 सही जवाब जो है ये हो जाएगा बच्चों, विनयपिटक हो जाएगा। सबसे प्राचीन महाकाव्य किसे माना जाता है? साकेत को, महाभारत को, रामायण को, किसको कहा जाता है बच्चों बताना है आपको। तो 79 का सही जवाब डी हो जाएगा, रामायणम को। थोड़ा इसमें कंफ्यूज है आप लोग देख लीजिए बच्चों। महाभारत की रचना किसने की थी? तो अभी हमने बताया महाभारत की रचना जो है वेद व्यास जी ने किया था। और वाल्मीकि ने किसकी रचना की थी? रामायण की रचना की थी। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? अर्थशास्त्र का लेखक जो है कौन है, इसको अभी चर्चा हमने किया था इसके पहले दिन। तो अर्थशास्त्र के लेखक जो बच्चों हैं कौटिल्य है। कौटिल्य जिसको हम लोग चाणक्य के नाम से जानते हैं, जिसका नाम इनके बचपन का नाम जो है विष्णुगुप्त था। तो अर्थशास्त्र का लेखक कौन थे? कौटिल्य थे। किस कवि को आदि कवि माना गया है? कालिदास को, सूरदास को, तुलसीदास को, वाल्मीकि को? किस कवि को जो है आदि कवि जो है माना गया है? तो बच्चों सही जवाब क्या हो जाएगा? 82 सही जवाब बी हो जाएगा, वाल्मीकि को।
गीत गोविंद की रचना किसने की है? तो गीत गोविंद की रचना जो है जयदेव ने की है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं पूछे जाते हैं। अमीर खुसरो थे एक कवि एवं साहित्यकार, एक सेनापति, एक दार्शनिक, एक शासक। तो बच्चों अमीर खुसरो जो है एक कवि एवं साहित्यकार थे। सही जवाब जो है ए हो जाएगा। आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी के लेखक जो है अबुल फजल है। आईने अकबरी के लेखक बच्चों कौन है? अबुल फजल जी है। रामचरित मानस जो है किसने लिखा है? जायसी ने, तुलसीदास ने, सूरदास ने, कंबन ने? तो रामचरित मानस बच्चों जो है तुलसीदास ने लिखा है। अंग्रेजी भाषा को भारतीय शिक्षा का माध्यम किसने बनाया? अंग्रेजी भाषा को भारतीय शिक्षा का माध्यम किसने बनाया? तो बच्चों लॉर्ड मैकाले ने। सही जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा। हिंदी साहित्य का उपन्यास सम्राट किसे कहा गया है? हिंदी साहित्य का उपन्यास सम्राट किसे कहा गया है? जयशंकर प्रसाद को, भगवती चरण वर्मा को, यशपाल को, मुंशी प्रेमचंद को? तो बच्चों 88 का सही जवाब डी हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद जी को। अंधेर नगरी नाटक किसने लिखा है? अंधेर नगरी नाटक किसने लिखा है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने जो है लिखा है। ब्रह्मफुट सिद्धांत ग्रंथ के लेखक कौन है? चरक, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, बारामिहिर? तो बच्चों 90 सही जो है सी हो जाएगा, ब्रह्मगुप्त। कुमार संभव के रचनाकार कौन है? विशाखा दत्त, भारवी, सोमदेव, कालिदास? तो 91 सही जवाब जो है जो क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, सोमदेव हो जाएगा। भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन है? भारत रत्न पाने वाले भारतीय वैज्ञानिक कौन है बच्चों? इसमें आपको बताना है, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो विक्रम साराभाई। भारत रत्न पाने वाले भारतीय वैज्ञानिक जो थे वो विक्रम साराभाई थे। जैन धर्म बच्चों अस्तेय का क्या अर्थ है? जैन धर्म आप लोग जानते हो, जैन धर्म की उत्पत्ति जिन सबसे हुई है, जिसका अर्थ होता है विजेता। और जैन धर्म के जो संस्थापक थे बच्चों ऋषभदेव थे, और वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को। तो जैन धर्म में अस्तेय का क्या अर्थ है आपको बताना है यहाँ। तो 93 सही हो जाए चोरी ना करना, सही जवाब जो है सी हो जाएगा। खुजराहो के मंदिर का निर्माण किस काल में किया गया था? मौर्य काल में, राजपूत काल में, गुप्त काल में, मुगल काल में? तो खुजराहो के मंदिर का निर्माण जो है किस काल में जो है किया गया था? तो बच्चों 94 सही जवाब जो है सी हो जाएगा, राजपूत काल में हुआ था। गांधार कला का विकास जो है किसके काल में हुआ? गांधार कला का विकास जो है किसके काल में हुआ? पुष्मित सुंग, कनिष्क, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय? बच्चों आपको चार ऑप्शन दिया है दोस्तों, आपको बताना इसमें कौन सा होगा। गांधार कला का विकास किसके काल में हुआ था? तो 95 सही जवाब भैया हो जाएगा बी हो जाएगा, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। गांधार कला की मुख्य विशेषता है, चार ऑप्शन आपके सामने दिया है, आपको बताना है जो है गांधार कला की जो है मुख्य विशेषता क्या है? तो यहाँ जो है 96 का सही जवाब जाएगा, एक पे ऊपर जाएगा, विषय वस्तु भारतीय और शैली यूनानी है। सही जवाब जो है ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। दशावतार का मंदिर स्थित है देवगढ़ में, अबू पर्वत में, भीतरगांव में, भुवनेश्वर में? तो बच्चों दशावतार का मंदिर कहाँ स्थित है? तो 97 सही जवाब ये हो जाएगा, देवगढ़ में सही जवाब ये हो जाएगा। कुतुब मीनार को जो है किसने पूरा करवाया? कुतुब मीनार को जो है किसने पूरा करवाया? तो इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया। पूरा करवाया किसने? इल्तुतमिश ने। ताजमहल कहाँ पर बना है? जौनपुर में, दिल्ली में, लखनऊ में, आगरा में? तो 99 सही जवाब भी हो जाएगा, आगरा में, यमुना नदी के किनारे इसे ताजमहल। अभी हमने बताया कि ताजमहल का निर्माण बच्चों किसने किया था? जो है शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था, अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में जो है बनवाया था ताजमहल को, जो कहाँ स्थित है? आगरा में, यमुना नदी के किनारे स्थित है। इलाहाबाद का किला किसने बनवाया था? अकबर ने, अशोक ने, शाहजहां ने, फिरोज तुगलक ने? तो 100 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अकबर ने। इलाहाबाद का जो है किला अकबर ने जो है बनवाया था। अगला क्वेश्चन है कि वह मुगल सम्राट जो चित्र को देखकर चित्रकार का नाम बता देता था, बहुत ही इंपॉर्टेंस, वह मुगल सम्राट जो चित्र को देखकर चित्रकार का नाम बता देता था, वो कौन था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर? तो सही जवाब जो दोस्तों जो है सी हो जाएगा, जहांगीर हो जाएगा। ठीक है, तानसेन जो है किस मुगल बादशाह का सभासद था? बाबर का, अकबर का, जहांगीर का, शाहजहां का? तो सही जवाब बच्चों 102 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अकबर का। सही जवाब क्या हो जाएगा? बी। पहला भारतीय मुस्लिम संगीतज्ञ जिसने सितार का आविष्कार किया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला भारतीय मुस्लिम संगीतज्ञ
जिसने सितार का आविष्कार किया था? अमीर खुसरो, बुगरा खां, तानसेन, खुर्रम। तो 103 का सही जवाब हो जाएगा अमीर खुसरो, पहला भारतीय मुस्लिम संगीतज्ञ जिसने सितार का जो है आविष्कार किया था। उसका कार क्या नाम था बच्चों? जो है अमीर खुसरो। आगरा का किला किसने बनवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अशोक, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। तो बच्चों यहाँ 104 का सही जवाब क्या जाएगा? डी हो जाएगा अकबर। आगरा का किला जो है किसने बनवाया था? अकबर। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री के।